So for those who are here, okay, we are, this is the class for English language to literature, semester 3. Okay, I hope tum sabko pata hi hoga, okay? And previously humne 3 units complete kar chuke hain, hamara aadha syllabus khatam ho chuka hai, theek hai? We are only left with 2 more units, okay? Kaafi छोटी यूनिट्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं ताकि तुम्हारे पेपर के लिए तुम अच्छे से तैयार हो सको, ठीक है। उसके अलावा लास्ट क्लास में हमने ग्रामर के टॉपिक्स करे थे, ऑल द फाइल्स हैव बीन अपलोडेड ऑन द लिंक, ठीक है। लिंक आपको अपने पब्लिश्ड सेक्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जस्ट अ क्विक रिकैप फॉर दोज हु आर जॉइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। क्विक रिकैप हमने स्टार्ट किया था यूनिट फर्स्ट से, which was understanding life narratives, ठीक है। understanding life narratives के अंदर हमने autobiographies, biographies, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, उनके differences के बारे में पढ़ा था, ठीक है। articles, journalism, journalistic articles कैसे लिखते हैं, documentaries कैसी होती है, उनको identify कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें understanding life narratives में पढ़ा था। then we did एक्सप्लोरिंग ड्रामा, जिसके अंदर हमने ड्रामा के बारे में पढ़ा था यूनिट 3, ठीक है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामास पढ़े थे, ड्रामा के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें करी थी। एंड देन उसके बाद हमने यूनिट 2 कंप्लीट किया था, विच वॉज एक्सप्लोरिंग पोइट्री। सेम चीज़ें, पोइट्री के एलिमेंट्स, पोइट्री लिखी कैसी जाती है, उसके अंदर कितनी फिगर ऑफ स्पीचेस यूज होती है, सिम्बोलिज्म यूज होता है, ठीक है। एंड इन तीनों यूनिट से रिलेटेड, एक्चुअली इन 500 यूनिट से रिलेटेड जितने ग्रामर के टॉपिक्स थे वो मैंने लास्ट क्लास में बताए थे, ठीक है। और वो पूरा का पूरा ग्रामर टॉपिक्स का हेडिंग के अंदर ही द फाइल हैज बीन अपलोडेड, तो तुम उधर भी देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हारे कुछ सारे के सारे ग्रामर टॉपिक्स मिल जाएंगे तुम्हारे सिलेबस में, जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए स्पेसिफिकली, ठीक है। तो रिगार्डिंग ऑल द यूनिट्स, यूनिट फर्स्ट के अंदर जितने ग्रामर टॉपिक्स थे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, एंड देन देयर वर डेनोटेशन एंड कॉनोटेशंस, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में समझाई थी, ठीक है। एंड इसके बाद भी किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द टीम्स ऐप, ठीक है। तुम्हें मुझे मेरा ID मिल जाएगा अगर तुम मेरे नाम के ऊपर सिर्फ अपना कर्सर रखोगे तो, ठीक है। तो तुम वहां से मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल रिप्लाई टू दैट अगर कोई भी डाउट होता है तो, ठीक है। एंड आई हैव क्रिएटेड अ ड्राइव फॉर दोज हु डू नॉट नो, इस क्लास के एंड में आई विल शेयर द लिंक आल्सो, पर वो लिंक पब्लिश सेक्शन के अंदर भी है अभी, तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स वाले सेक्शन के, ठीक है। सो उन क्लास उधर दैट लिंक इज बेसिकली द ओनली प्लेस जहाँ पे मैं तुमसे कनेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब तुम लोग मुझसे नहीं कनेक्ट कर सकते हो, बट दैट इज द ओनली प्लेस जहाँ पे मैं तुम्हें सबको इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी मैं कभी कभी डालती हूँ इन केस हमें क्लासेस शिफ्ट करनी पड़ती हैं तो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस क्लास वॉज शिफ्टेड, ये तुम्हारी ओरिजिनल क्लास फर्स्ट को होनी थी बट इट हैज बीन शिफ्टेड, तो वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन इज ऑन दैट लिंक, तो कीप इट क्लोज एंड मतलब चेक करते रहना उसे, ठीक है। प्लस ऑब्वियसली जब तुम्हारी क्लासेस सारी की सारी खत्म हो जाएगी इन द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, उसके एक वीक तक ही, मतलब जब तक तुम्हारे एग्जाम्स हो जाएंगे या शुरू भी हो जाएंगे, तब तक ही वो सारा का सारा ड्राइव जो है वो तुम्हारे पास रहेगा, उसके बाद इट वुड बी डिसकंटिन्यूड, ठीक है। तो उसे डाउनलोड करना मत भूलना फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सारी की सारी चीज़ों को एक फोल्डर के अंदर बना के रखो सो दैट यू हैव ऑल द मटीरियल दैट यू नीड, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, आज हम यूनिट 4 कर रहे हैं विच इज एक्सप्लोरिंग फिक्शन, एंड स्पेसिफिकली फिक्शन का एक जॉनरा विच इज नॉवेला, ठीक है। तो आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, फिक्शन क्या होता है, नरेटिव्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है बट थोड़े से और डिटेल के अंदर डिस्कस करनी है, ठीक है। बिकॉज वन थिंग यू मस्ट हैव नोटिस्ड, जो तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर है ये, ठीक है, जितने भी यूनिट्स हैं, दे आर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर, मतलब लिटरेचर के अंदर या स्टोरीज हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो इनको फॉर्म्स कहते हैं। देर आर लाइफ नरेटिव्स, देर आर पोएट्रीज, देर आर ड्रामाज, देर आर नॉवल्स, ठीक है, स्पेसिफिकली फिक्शंस। तो यहाँ पे हम आज फिक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि पहले फिक्शन क्या होता है, नरेटिव्स क्या होते हैं, एंड नॉवेला क्या होता है, ठीक है। नॉवेला कैसे, नॉवेल्स एंड नॉवेला आर द टू डिफरेंट टर्म्स, तो हम ये सारी चीजें यूनिट 4 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे पास जो ग्रामर एंड वोकैबुलरी सेक्शन था जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था, विच वाज पंक्चुएशंस एंड द रीडिंग स्टाइल, कि तुम्हें
रीडिंग एंड स्पीकिंग वाइल यू आर रीडिंग अ स्टोरी यू शुड नो वेयर यू हैव टू स्टॉप, ठीक है, या हाउ यू हैव टू स्पीक, तुम्हारी टोन कैसी होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने तुम्हें पंक्चुएशंस बताई थी, ठीक है, कि फुल स्टॉप पे हम थोड़ी देर रुकते हैं, कॉमास पे हम थोड़ी देर रुकते हैं, तो एक स्टोरी को रीड कैसे करते हैं, तुम्हारा रीडिंग एंड क्राफ्टिंग एंड सारी की सारी स्किल्स जो हैं वो इस यूनिट के अंदर एक्सप्लोर करी जाती है या डेवलप करी जाती हैं, ठीक है. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन स्टार्ट टाइपिंग इन, ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना आफ्टर आई फिनिश दिस लेक्चर, ठीक है, उसके बाद मैं उन क्वेश्चन को देख लूंगी सो दैट मुझे भी पता चले कि तुम्हें कितना समझ में आया है, ठीक है. सो प्लीज रिस्पॉन्ड, ठीक है, इवन दो यू डू नॉट हैव लाइक यू कैन नॉट स्पीक बट यस यू कैन टाइप, तो प्लीज क्वेश्चन आंसर्स लिख लेना. अगर कोई क्वेश्चंस है भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज उन्हें एक्सप्लेन करके लिखना, मुझे सिर्फ एक एक टर्म मत देना कि ये समझा दो, राइट. तो जो एग्जैक्टली जो तुम्हें नहीं समझ में आया हो वो पूछना है, ठीक है. एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा अगर तो सिर्फ तुम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन से ही क्वेश्चंस पूछोगे, इन द सेंस जो आज पढ़ाया जा रहा है उसी में से क्वेश्चंस पूछोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और दूसरों को भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है. ओके सो लेट्स स्टार्ट इट, ठीक है. तुम्हारे इसके अंदर जैसे पुराने पुराने यूनिट्स के अंदर बहुत सारे रीडिंग्स थे, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही नॉवल है विच इज द हाउस ऑफ मैंगो स्ट्रीट, ठीक है. सो हाउस ऑफ मैंगो स्ट्रीट 1984 के अंदर लिखी थी, इट्स इन मेक्सिकन अमेरिकन ऑथर ने लिखी है विच इज सैंड्रा सेरनोस, ठीक है. तो ये वाली नॉवल जो है नॉवल भी नहीं, एक टाइप से नॉवला कहेंगे क्योंकि हम नॉवलास पढ़ रहे हैं इसके अंदर, तो हाउस ऑफ मैंगो स्ट्रीट इज वन ऑफ देम. और कैसे कौन कौन से स्टाइल्स यूज होते हैं, कौन कौन सी थीम्स यूज होती है और नॉवल्स के अंदर भी कौन कौन से जॉनराज यूज होते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे कीपिंग इन माइंड दिस पर्टिकुलर सजेस्टेड रीडिंग, ठीक है. तो इस सजेस्टेड रीडिंग के थ्रू भी हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे. अगर हम एलिमेंट्स कर रहे हैं तो एलिमेंट्स हम इस सजेस्टेड रीडिंग के अंदर भी देखेंगे कि कैरेक्टर्स क्या क्या है या थीम्स क्या क्या हैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो सके. ओके ठीक है. सो आफ्टर वट इज़ आर एम कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एबल टू रिकोगनाइज पोइट्री इन प्रोज. अब पोइट्री और प्रोज दोनों में मैंने डिफरेंस बताया था, प्रोज इज द रिटन स्टोरी, कुछ भी लिख लोगे तुम दैट इज प्रोज, एंड पोइट्री इज फुल ऑफ राइम्स रिदम्स मीटर, ठीक है, जो हमने यूनिट सेकेंड के अंदर पढ़ा था. ओके तो कैसे तुम्हें रिकोगनाइज करना है कि पोइट्री प्रोज के अंदर है या मतलब कौन सी चीज प्रोज है कौन सी चीज पोइट्री है, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि किस कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं हम, ठीक है. यू कैन ऑल्सो मतलब तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं नरेट और टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट समथिंग, ठीक है. तो तुम्हारे पास ये सारी की सारी रिटन स्किल्स जो है वो आनी चाहिए कि तुम्हें कैरेक्टर्स बनाने आने चाहिए, ठीक है, एंड एनालाइज करना आना चाहिए. एनालिटिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे चारों यूनिट्स के अंदर, ठीक है, नॉट द फिफ्थ वन के अंदर तुम्हारा मोस्टली राइटिंग है, अकेडमिक एसेज वगैरह लिखने होते हैं जिसमें तुम्हें, लेकिन चार यूनिट्स के अंदर एनालिटिकल पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो एनालिटिकल पार्ट का मतलब है कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है. इफ अगर तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं जो कि पेपर में आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं तो तुम उसको कितना समझ पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आंसर्स तुम्हारे अब ट्वेल्थ जैसे नहीं आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, जो तुम्हें रीडिंग उस पर्टिकुलर पैसेज के अंदर से ही आंसर मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, ठीक है. यू गाइज आर इन सेकेंड ईयर, तो वो वाले क्वेश्चन आएंगे थोड़े से अंडरस्टैंडेबल वाले, मतलब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे उसके अंदर कि तुम कितना उस टेक्स्ट को समझ पाए हो या उस पैसेज को समझ पाए हो या उस पोइट्री को समझ पाए हो. तो एनालाइज करने के लिए भी तरीके होते हैं एंड एनालाइज करने के लिए ही इन सारी यूनिट्स को अलग अलग बनाया गया है, सो दैट तुम्हें इन सारे यूनिट्स इन सारे जॉनराज इन सारे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बारे में डेप्थ में पता चले, ठीक है. तो कैसे एक नरेटिव बनाया जाता है, कैसे एक स्टोरी बनाई जाती है, ठीक है, उसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स क्या क्या होते हैं, अगर पोइट्री है तो पोइट्री कैसे एनालाइज करेंगे या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है. तो वो सारी की सारी चीजें इस बिकॉज कि तुम्हें ये सारी चीजें डेप्थ में पढ़ाई जा रही है, ठीक है. प्लस ऑब्वियसली तुम्हारे इसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि नॉवला पढ़ना है हमें, नॉट नॉवल्स बट नॉवला, ठीक है. एंड उसके अंदर तुम्हारे लिए फिर ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे विच इज नॉवला एंड बिल्डिंग्स रोमा, ठीक है. तो ये दो टर्म्स हम करेंगे ऑब्वियसली, पर पहले थोड़ा सा अपना बेस बना लेते हैं, ठीक है. एंड लेट्स स्टार्ट विद
वन पर्टिकुलर थिंग विच इज नरेटिव्स. ठीक है, पहले नरेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके डिफरेंट जॉनरास जैसे कि नॉवला, नॉवल्स, शॉर्ट स्टोरीज, इन सब के ऊपर जाएंगे. ठीक है, सो तुमने जब पहले अपने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पढ़ा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर के अंदर तुमने थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी होंगी. ठीक है, जिसके अंदर थीम्स हैं, सिचुएशंस हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब पहले सेमेस्टर्स के अंदर. ठीक है, यू मस्ट हैव बीन टोल्ड कि हाँ, एक स्टोरी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कोई सिचुएशन होती है, कोई ना कोई चीज़ हो रही होती है, कन्फ्लिक्ट होता है, वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है. ठीक है, मोस्टली शॉर्ट स्टोरीज एंड नरेटिव टेक्स्ट. ठीक है, बट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिस ईयर वी वुड बी लर्निंग अबाउट नॉवेलास. नॉवेलास आर वेरी डिफरेंट. ठीक है, नॉवेलास जो होते हैं वो नरेटिव टेक्स्ट तो होते हैं, मतलब स्टोरीज तो होती हैं, बट इट इज शॉर्टर, लाइक 100 पेजेस का बुक एक टाइप से. ठीक है, मतलब ऑब्वियसली लॉन्गर दैन अ शॉर्ट स्टोरी, बट शॉर्टर दैन अ नॉवल. तो नॉवल जैसे बहुत सारे पेजेस की हो सकती है, 300 पेजेस, 200 पेजेस, बट नॉवला जो होती है वो मोस्टली 100-150 पेजेस के अंदर, या मतलब लिमिटेड ही होती है. शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल्स के बीच का पार्ट इज नॉवला. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जॉनरा के बारे में हमें और भी ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा. ओके, कंसिडरिंग इन माइंड योर सजेस्टेड रीडिंग. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट की पहले अपना थोड़ा सा बेस बनाने के लिए कि नरेटिव्स क्या होते हैं. ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था जब हम अंडरस्टैंडिंग लाइफ नरेटिव्स कर रहे थे, उसके अंदर भी मैंने ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक डाला था, दैट इज व्हाट इज नरेटिव. ठीक है, अब नरेटिव का बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर मतलब होता है स्टोरी. ठीक है, इट इज बेसिकली अ स्टोरी. ठीक है, जो क्रिएटिव होती है, जो इमेजिनेटिव भी है. ठीक है, एंड इट कैन बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एज वेल एज फिक्शन. ठीक है, फैक्ट्स के ऊपर भी बेस हो सकती है, फिक्शन के ऊपर भी बेस हो सकती है. दैट इज अ स्टोरी. नरेटिव इज अ स्टोरी विच कैन बी बेस्ड ऑन बोथ फैक्ट्स एंड फिक्शन. अब हमने फैक्ट्स वाले के ऊपर जो बेस्ड नरेटिव थे वो हम ऑलरेडी यूनिट 1 के अंदर कर चुके, विच वॉज लाइफ नरेटिव्स. ठीक है, विच वॉज रियल. अब उसके अपोजिट के अंदर फिक्शन आ जाता है, विच इज इमेजिनरी, विच इज टोटली इमेजिनरी. वो स्टोरी मतलब सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन से बनाई गई होती है. ठीक है, तो एंड नरेटिव्स जो होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म के होते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स लेंथ. अगर वो बहुत छोटा है तो इट वुड बी शॉर्ट स्टोरी, देन इट वुड बी अ नॉवला और अ नॉवल. ठीक है, ऑब्वियसली इसके बहुत सारे जॉनराज होते हैं. एडवेंचर स्टोरीज हो सकती है, मिथिकल स्टोरीज हो सकती है, फेरी टेल्स हो सकती है, रोमांटिक नॉवल्स हो सकती हैं. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज अपने अलग अलग थीम्स के अंदर या अलग अलग जॉनराज के अंदर चले जाती हैं. ठीक है, साइंस फिक्शन हमने देखी है, डिटेक्टिव स्टोरीज हैं. ठीक है, तो एक बहुत अच्छा तरीका है नरेटिव्स को समझने का इज टू रिलेट, मतलब सिर्फ रिलेट करना है, असलियत में सोचना भी नहीं है, सिर्फ यू नो रेफरेंस के लिए ताकि तुम ज्यादा अच्छे से समझ पाओ, इज टू रिलेटेड विद मूवीज. ठीक है, क्योंकि मूवीज से तुम लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हो. ठीक है, और एक्चुअली सभी मूवीज से ज्यादा फेमिलियर हैं क्योंकि सबने देखी है एट वन पॉइंट. ठीक है, तो जैसे हमारे पास मूवीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, वी हैव चिल्ड्रंस मूवीज, राइट, वी हैव एनिमेटेड मूवीज. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जॉनराज होते हैं. वी हैव मिथिकल मूवीज जो किसी गॉड एंड गॉडेसेस के ऊपर होती है, वी हैव फेरी टेल मूवीज, वी हैव रोमांटिक मूवीज, वी हैव एडवेंचर मूवीज, थ्रिलर, ठीक है, वगैरह वगैरह. तो वैसे ही वही सारे फॉर्म्स हमें नॉवेल्स में भी आते हैं क्योंकि मोस्टली मूवीज नॉवेल्स के ऊपर भी डिपेंडेड होती है. वी हैव डिटेक्टिव मूवीज, ठीक है, जो डिटेक्टिव स्टोरीज के ऊपर बेस्ड होती हैं. फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव वॉच्ड अगाथा क्रिस्टी. ठीक है, अगाथा क्रिस्टी ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखी है जिसके ऊपर बेस्ड उसकी मूवीज भी है. तो मूवीज के जैसे अलग अलग जॉनराज होते हैं, वैसे ही इन नरेटिव्स के अलग अलग जॉनराज होते हैं. ठीक है, अब कैसे रिलेट करना है. अब मूवी के अंदर ठीक है थ्रिलर होता है, फेरी टेल होता है. ठीक है, दैट आर डिफरेंट जॉनराज, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ मूवीज भी होती है. वी हैव डॉक्यूमेंट्री मूवीज. ठीक है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री होती है जो किसी की लाइफ को फॉलो कर रहे होते हैं, हमें सच्चाई बताते हैं बेसिकली. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री मूवीज आर रिलेटेड टू जो हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर किया था, लाइफ नरेटिव्स. ठीक है, तो वैसे ही होता है. कुछ मूवीज होती है, कुछ बायोग्राफीज होती हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफीज होती है मूवीज में. ठीक है, तो वही सारी चीजें हमें नरेटिव्स में भी मिलता है, वही सारी चीजें हमें नॉवेल्स में भी मिलती हैं. कुछ शॉर्ट मूवीज होती हैं, शॉर्ट फिल्म्स, विच इज रिलेटेबल, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट इट इज रिलेटेबल टू शॉर्ट स्टोरीज. ठीक है, तो वी हैव शॉर्ट मूवीज,
वैसे ही क्लिप्स होती हैं थोड़ी थोड़ी, तो नरेटिव्स और मूवीज बहुत पास पास में है, बिकॉज एट एंड लिटरेचर इज पार्ट ऑफ आर्ट. ठीक है, अब आर्ट जो है वो किसी भी फॉर्म में हमें मिल सकता है. ठीक है, लेकिन मूवीज से इसलिए रिलेट करने को कहा है बिकॉज यू आर मोस्ट फेमिलियर विद इट. ठीक है, तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि हम किस सेंस के अंदर बात कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि मूवीज की स्टोरीज तुम्हें, मतलब अगर तुम नॉवेल्स नहीं पढ़ते हो, लेकिन मूवीज सबने ही देखी होंगी. ठीक है, ओके. सो एक नरेटिव जो होता है वैसे ही बहुत सारे जॉनरास के अंदर होता है, रोमांटिक लव स्टोरीज एंड मिथिकल स्टोरीज, फेरी टेल्स, फिक्शन, साइंस फिक्शन होता है, एनिमेटेड होते हैं. ठीक है, एंड उसी हिसाब से इट कैन बी फैंटेसी. ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी अ फैंटेसी, मतलब कि वो सिर्फ तुम्हें एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर ले जाएगा. ठीक है, इट कैन बी अ फैंटेसी दैट ट्रांसपोर्ट्स यू कम्प्लीटली इन टू द डिफरेंट वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल हैरी पॉटर. ठीक है, हैरी पॉटर की जितनी भी बुक्स है, इफ यू हैव रेड द बुक्स, इफ यू हैव सीन द मूवीज, ठीक है, इट इज अ फैंटेसी, मतलब कि एक दूसरे ही वर्ल्ड के अंदर, टोटली इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर हमें लेके जाते हैं. ठीक है, एंड वाइल अदर नरेटिव्स या दूसरी कुछ बुक्स जो है, दे कैन बी रूटेड इन रियलिटी, दे कैन टॉक अबाउट रियल सोशल इश्यूज थ्रू इमेजिनरी कैरेक्टर्स. ये हमने लाइफ नरेटिव्स में भी पढ़ा था. ठीक है, तो दूसरी जो होती है वो रियलिटी भी हो सकती है. ठीक है, दे कैन टॉक अबाउट सोशल इश्यूज ऑल्सो थ्रू इमेजिनरी कैरेक्टर्स. तो नरेटिव्स जो होते हैं वो बहुत सारे लाइंस के, मतलब बहुत सारी जगहों पे जा रहे होते हैं. ठीक है, ओके. तो देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ नरेटिव्स. फॉर एग्जाम्पल लाइक अ नॉवल रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मेन कैरेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, एक नॉवल जो होती है विच इज रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मेन कैरेक्टर इज अ नरेटिव. ठीक है, एक नॉवल है वो नरेटिव है. एक एसे जो आप कोई एसे भी लिखते हो उसको भी हम नरेटिव कहते हैं. कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कोई ब्लॉग लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ नरेटिव. ठीक है, एंड प्लस पोएम्स, डांसेस, मतलब सॉन्ग्स. ठीक है, ये सारी चीजें आर अ नरेटिव. नरेटिव का एक सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है दैट इट इज समथिंग दैट टेल्स यू अ स्टोरी. कोई भी चीज जो तुम्हें स्टोरी समझाए या स्टोरी बताए, जिससे तुम्हें कुछ पता चलेगा, एक स्टोरी फॉर्म में हो, दैट इज अ नरेटिव. अब पोएम्स भी स्टोरी फॉर्म में होती है, ये हमने पोइट्री में भी पढ़ा था, विच वॉज नरेटिव पोइट्रीज. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नरेटिव जो हमें थ्रू आउट आर लाइफ मिलते हैं, दिखते हैं. ठीक है, तो फिक्शन क्या होता है? अब हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली है हमारे पास नरेटिव फिक्शन, विच इज नोवेला. ठीक है, तो विच इज नॉट नोवेला, नोवेला उसका भी एक पार्ट है. ठीक है, इट जस्ट एक क्या कह सकते हैं, चार्ट की तरह बना के रखो. नरेटिव्स एंड देन देयर आर फिक्शंस एंड देयर आर नॉन फिक्शंस. ठीक है, नॉन फिक्शन के अंदर हमारे पास लाइफ नरेटिव्स हैं, और फिक्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ नॉवल्स, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेलास, ये सारी चीजें आ सकती हैं. ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें लाइफ नरेटिव्स के अंदर भी आ सकती हैं. ऑटोबायोग्राफिकल बुक्स भी लिखी जाती हैं. ठीक है, पर उनको नॉवेल्स नहीं कहते. ठीक है, फिक्शन का मतलब होता है दैट इज टोटली इमेजिनेटिव. इसके अंदर लोग, जगह, वो सारी चीजें इमेजिनेटिव होती हैं. दैट इज नॉट एट ऑल बेस्ड ऑन एनी हिस्टोरिकल फैक्ट, या किसी रियलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं होता फिक्शन के अंदर. दैट इज वाई द चार्ट इज नरेटिव्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन. ठीक है, एंड नॉन फिक्शन के अंदर यू कैन राइट लाइफ नरेटिव्स, एंड फिक्शन के अंदर यू कैन राइट नॉवल्स, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेलास, चिल्ड्रन स्टोरीज, फेबल्स, सब कुछ. ठीक है, तो ये सारी के सारी चीजें जो फिक्शन के अंदर आती है, विच इज यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में भी तुम्हें दिख रहा होगा, विच इज नॉवल्स, शॉर्ट स्टोरीज, फेबल्स. ठीक है, फेबल्स होते हैं जो जो बच्चों के लिए छोटी छोटी स्टोरीज सुनाई जाती थी टू गिव अ मॉरल लेसन. ठीक है, लेजेंड्स के ऊपर स्टोरीज, मिथिकल स्टोरीज. ठीक है, फेरी टेल्स, एपिक्स. एपिक्स होते हैं बहुत बड़े बड़े स्टोरीज. ठीक है, विच कैन बी लाइक 1000 पेजेस तक जा सकती है, जो उससे भी ज्यादा इनफैक्ट. ठीक है, देन देयर इज नरेटिव पोइट्रीज, नरेटिव प्लेज. ये सारे के सारे आर पार्ट ऑफ फिक्शन, विच इज टोटली इमेजिनेटिव. जगह, लोग, जो भी हो रहा है उसके अंदर, दैट इज ऑल्सो इमेजिनेटिव. ठीक है, एंड देन देर इज ऑब्वियसली इन सब चीजों के अलावा वी यू मस्ट हैव रेड सम कॉमिक बुक्स. ठीक है, जो बच्चों के लिए भी कॉमिक्स बुक आती है, बड़ों के लिए भी आती है, राइट? तो कॉमिक बुक्स हैं, या मैंगाज हैं, या फिर एनिमे हैं. ठीक है, या कार्टून्स हैं, या वीडियो गेम्स हैं, जो थोड़ी इलेबरेटिव नरेटिव फॉर्म्स के अंदर होती है. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आर फिक्शंस. ठीक है, ये सारे के सारे आर फिक्शन, दे आर टोटली आउट ऑफ सम इमेजिनेटिव प्लेस इन योर माइंड. ठीक है,
दिस इज द मेन डिफरेंस विच यू नीड टू नो, ठीक है, बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. क्योंकि जब भी हम लिटरेचर की बात करते हैं, जब भी हम बुक्स की बात करते हैं, तो हम उनको इन्हीं दो पार्ट्स के अंदर बांटते हैं, विच इज फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. ठीक है, ये हमने बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं जो हमने सुने भी होंगे. ठीक है, इसके अंदर सिर्फ बुक्स नहीं, इनफैक्ट टीवी सीरीज, प्लेज, फिल्म्स, मूवीज, ठीक है, ये सारी चीजें आर डिवाइडेड इनटू दीज टू ब्रॉड टर्म्स, विच इज फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. ठीक है, तो फिक्शन, एज आई सेड, जिसके अंदर प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, दे आर क्रिएटेड बाय द इमेजिनेशन ऑफ द ऑथर. ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो नॉन फिक्शन होता है, इट इज स्टोरीज दैट आर बेस्ड और स्टोरीज और इवेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन रियलिटी. उसके अंदर रियल लोग होते हैं, रियल जगहों के बारे में बात हो रहा होता है और रियल सिचुएशंस दिखाई जाती हैं. ठीक है, दैट इज नॉन फिक्शन. तो ये मेन डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए. ठीक है, देन वी कम टू अगेन बैक टू नरेटिव्स. ठीक है, नरेटिव्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है, जो हमने फर्स्ट क्लास में भी किया था कि क्यों लिटरेचर इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अब लिटरेचर इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज इट मेक्स यू अवेयर. ठीक है, वैसे ही लिटरेचर के अंदर नरेटिव्स क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका पर्पस क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरी वन लव स्टोरी. अगर तुम अपने फ्रेंड से भी कोई बात कर रहे हो, यू टेल इट इन स्टोरी फॉर्मैट. ठीक है, अगर तुम किसी इंसिडेंट को याद कर रहे हो, तो यू टेल इट इन अ स्टोरी फॉर्मैट. ठीक है, सो एवरी वन वॉन्ट्स टू टेल अ स्टोरी, एवरी वन लव्स टू लिसन टू अ स्टोरी. ठीक है, बिकॉज एवरी वन कैन रिलेट टू अ स्टोरी. ठीक है, एंड ये सारी चीजें इतनी डेप्थ में इसलिए अभी इधर इसीलिए हैं, बिकॉज दीज क्वेश्चन कैन कम, देर इज अ पॉसिबिलिटी दे कैन आस्क यू. ठीक है, कि एवरी डे लाइफ में नरेटिव्स की जरूरी है या लिटरेचर का इंपॉर्टेंस क्या है. तो ये सारी छोटी छोटी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए. ठीक है, दैट वाई इज अ नरेटिव इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी एंगेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, बचपन से ही बच्चों को डायरीज दिलाई जाती है, राइट, मतलब तुम्हें भी दिलाई गई होंगी, यू मस्ट हैव बीन वेरी फैसिनेटेड विद बाइंग अ डायरी, क्योंकि हम रोज डायरी लिखेंगे. ठीक है, दैट इज, एंड राइटिंग अ डायरी, राइटिंग योर थिंग्स इन डायरी इन अ स्टोरी फॉर्मैट, एंड यू ट्राई टू राइट अ स्टोरी कि आज ये चीजें हुई. ठीक है, तो वो ऑल्दो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइफ नरेटिव. ठीक है, बट इट इज अ स्टोरी, स्टोरी इज अ स्टोरी, नरेटिव इज अ नरेटिव. ठीक है, सो बिकॉज नरेटिव का जो स्टाइल होता है, इट इज सो एंगेजिंग, राइटिंग स्टाइल जो होता है वो बहुत एंगेजिंग होता है. जब तुम किसी को स्टोरी सुनते हुए, मतलब सुनाते हुए सुन रहे होते हो, तो इट इज सो एंगेजिंग. एंगेजिंग का मतलब अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो इट इन्वाइट्स योर ऑडियंस. ठीक है, प्लस एक जो नरेटर होता है, जो स्टोरी सुना रहा होता है, उसको हम नरेटर कहते हैं. ठीक है, तो जो नरेटर होता है, ही हैज दैट पावर कि वो दूसरे इंसान को अपने स्टोरी वाले वर्ल्ड के अंदर लेके जा सके. ठीक है, वो उनको उनको चांस भी दे सकता है कि वो पार्टिसिपेट करे, या वो उनको एकदम एंगेज कर सकता है. तो नरेटर नरेटिव्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, ऑब्वियसली नरेटिव्स आर सोशल, वेरी सोशल. हर कोई जब भी कोई बात कर रहे होते हैं, तो वी टॉक इन अ स्टोरी फॉर्मैट. ठीक है, इनफैक्ट वाइल टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑल्सो. ठीक है, तुम बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, तो यू टेल देम कि तुमने क्या क्या किया. ठीक है, या क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो हमारे पास यहां से दो टर्म्स आती है, विच इज नरेटिव एंड, नहीं, तीन टर्म्स है हमारे पास, नरेशन, नरेटिव एंड नरेटर. ठीक है, तो ये तीन टर्म्स ध्यान में रखनी है. अभी हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि ये तीनों टर्म्स के अंदर क्या डिफरेंस है, इनका एक्चुअली में क्या मतलब है. ठीक है, सो पर्पस ऑफ नरेटिव ऑब्वियसली इज टू टेल अ स्टोरी. ठीक है, टू एंटरटेन अ पर्सन, टू एंटरटेन योर ऑडियंस. ठीक है, तो उस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स होंगे, सिचुएशंस होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. ठीक है, विच विल बी डिस्कस्ड. ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है वो एक अच्छे नोट पे ही एंड हो. ठीक है, ट्रेजेडी भी है, कॉमेडीज भी है, सब कुछ होता है. ठीक है, प्लस हमें After reading a story, we get to know a variety of characters, different different characters के बारे में, उनके behavior के बारे में, उनके perspective के बारे में, वो सब कुछ एक audience को या एक reader को पता चलता है. ठीक है, that is the purpose of narrative, to tell you, to take you to another world. ठीक है, it's just like fictions का basically ये बहुत ही ज़्यादा main purpose कह सकते हैं उसे, फिक्शंस को भी. ठीक है, कि वो तुम्हें
अपनी रियलिटी से उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर लेके जाता है, ठीक है। तो हम डिफरेंट सिचुएशंस को फील कर रहे होते हैं, उन कैरेक्टर्स के साथ सिंपथाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ कोई भी ऐसी सीरीज जिसके अंदर तुम बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो, कोई भी ऐसी मूवी सीरीज जो तुमने देखी हो जिसके अंदर तुम बहुत ही इन्वॉल्व हो चुके हो, फॉर एग्जाम्पल द वेरी फेमस वन जो अभी रिसेंटली चली थी वॉज द फ्रेंड्स सीरीज, ठीक है। अब सारे के सारे आर वेरी इन्वेस्टेड, वहां पे हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं एंड एवरीबडी इज सिंपथाइजिंग और कनेक्टिंग विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। हम उनकी लाइफ के अंदर इन्वेस्ट हो जाते हैं एंड दैट इज टोटली फिक्शन, वो रियलिटी नहीं है, बट इट टेक्स यू अवे फ्रॉम योर रियलिटी टू द वर्ल्ड, टू अनदर वर्ल्ड ऑफ द बुक और ऑफ द मूवी, ठीक है, ऑफ द सीरीज। तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ अ नरेटिव, इट हैज टू बी एंटरटेनिंग, ठीक है, एंड इट हैज टू एंगेज द ऑडियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन अ स्टोरी, इन एनी काइंड ऑफ स्टोरी, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम चिल्ड्रंस स्टोरीज के बारे में बात करें या डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज या छोटी छोटी स्टोरीज जो तुमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी होगी, तो वो स्टोरीज भी बोरिंग नहीं हो सकती बिकॉज यू हैव टू एंगेज द चाइल्ड ऑल्सो। तो स्टोरीज इस तरीके से लिखी जाती है कि हम उसके अंदर जो ऑडियंस है या जो रीडर है वो एंगेज हो सके, ठीक है। उसको हम नरेटिव स्टाइल बोलते हैं कि कैसे बताई जाए वो स्टोरी, ठीक है। ओके, देन देयर इज नरेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑब्वियसली नरेटिव स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि फ्रेम लाइन क्या है, किस फ्रेम के अंदर वो नरेटिव बताया जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली एक नरेटिव जो होता है, इट इज प्रेजेंटेड टू द रीडर, टू द लिसनर और द व्यूअर और द ऑडियंस, ठीक है। तो उसके उसका प्लॉट, उसकी सेटिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक नरेटिव के अंदर, ठीक है। तो उसकी स्टोरी, उसके प्लॉट्स, उसका कंटेंट, किस तरीके की स्टोरी तुम लिख रहे हो, ठीक है, दैट डिपेंड्स, ठीक है, एंड दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द ऑडियंस, ठीक है। कि तुम अगर ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं लिखोगे सो यू तुम्हारी स्टोरी जो है वो इतनी ज़्यादा एंगेजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो हर एक नरेटिव के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स इसीलिए होते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो एक नरेटिव के अंदर एक प्लॉट होता है, सबसे पहले जो ऑथर होता है वो एक प्लॉट बनाता है, ठीक है। अब प्लॉट और स्टोरी दो डिफरेंट चीजें हैं। प्लॉट को एक टाइप से मानो कि एक ओवरव्यू है वो, ठीक है, एक सिर्फ फ्रेम बना रहा है कि हाँ ठीक है उसको किस चीजों के बारे में लिखना है। तो प्लॉट जो होता है इट हैज ओरिएंटेशन, इट इंट्रोड्यूसेस द सेटिंग्स, द कैरेक्टर, कि हाँ हमें किस चीज के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके अंदर एक्शन कहाँ जा रहा है, क्लाइमैक्स पे आता है, फिर नीचे आ रहा होता है, तो वो प्लॉट लाइन होती है, ठीक है। दिस इज द प्लॉट लाइन, एक हार्ट बीट की तरह, ठीक है, कि फ्लैट शुरू होती है, फिर एकदम से एक्शन धीरे धीरे बढ़ता है, क्लाइमैक्स पे पहुंचता है और फिर एंड की तरफ जाने लग जाता है, ठीक है। दैट इज अ प्लॉट, प्लॉट लाइन इसलिए बोलते हैं उसे, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टोरी पार्ट, ठीक है। तो ये एक दो पॉइंट्स हैं जो तुम्हें पता, मतलब मेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि अभी हम वो समझाएंगे, ठीक है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट नरेटिव्स होते हैं। अब वो प्लॉट लाइन डिफरेंट तरीके की भी हो सकती है, यानी कि वो जो नरेटिव है वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर भी हो सकता है। मेन जो फॉर्म्स हैं वो चार होती है, लीनियर, नॉन लीनियर, इंटरैक्टिव या इंटरैक्टिव और इंटरैक्टिव, ठीक है। सो ये दो जो नरेशन होते हैं, मतलब लीनियर का मतलब होता है दैट जो नरेशन है जहाँ पे इवेंट्स जो है वो एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रही है, यानी कि बिगनिंग, मिडल, एंड, ठीक है। शुरुआत में हमें पता चल जाता है कि हाँ ठीक है स्टोरी शुरू कहाँ से हो रही है, ओके। एंड नॉन लीनियर नरेटिव होते हैं जिसके अंदर हमारे पास बिगनिंग, मिडल, एंड उस ऑर्डर के अंदर नहीं होता, ठीक है। हमें मतलब डिस्ट्रप्टिव सा होता है जिसके अंदर, ठीक है, कोई भी स्टोरी मिडल से शुरू हो सकती है और फिर बाद में हमें बिगनिंग के, मतलब कि कहाँ से शुरू हुई वो पता चल सकता है। तो दैट इज नॉन लीनियर नरेटिव्स। देन इंटरैक्टिव इज वेयर लीनियर नरेटिव्स ड्रिवन बाय रादर देन इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है। तो ये दो जो नरेटिव्स होते हैं इंटरैक्टिव, ठीक है, नरेटिव्स विच इज अ फॉर्म ऑफ फिक्शन जहाँ पे यूजर्स मेक्स चॉइसेस, ठीक है, मतलब कि तुम यूजर्स के हिसाब से अपनी पूरी की पूरी स्टोरी लिखते हो, ठीक है, जो चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट सीरीज, ठीक है, सीरीज कैन बी इफेक्टेड अकॉर्डिंग टू द यूजर्स, ठीक है। अगर गलती से कोई कैरेक्टर मर भी जाए, दे कैन ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, ठीक है, जस्ट बिकॉज ही वॉज इन हाई डिमांड, ठीक है। तो इंटरैक्टिव, जिसके अंदर ऑडियंस का या रीडर का इंटरैक्शन इन्फ्लुएंस करता है टू द स्टोरी,
ठीक है। तो ये नरेटिव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नरेटिव्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नरेटिव्स होते हैं, जिस तरीके से स्टोरी या जिस तरीके से प्लॉट चलता है, ठीक है। एंड वी हैव सिक्स मेन एलिमेंट्स ऑफ नरेटिव, जिसके हिसाब से स्टोरी के अंदर ये छह चीजें होनी जरूरी हैं। प्लॉट होना जरूरी है, एक ओवरव्यू होना जरूरी है कि हाँ ठीक है जो इवेंट्स है वो कैसे कैसे जाएंगे, ठीक है। प्लॉट हमेशा बैकग्राउंड में होता है। देन वी हैव सेटिंग्स कि कहाँ पे सेट होएगा, टाइम, प्लेस, एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए एक स्टोरी के अंदर। वी हैव कैरेक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कि किस पॉइंट ऑफ व्यू, हमने पहले भी बात करी है इसकी, कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से या किस परस्पेक्टिव से या कौन वो स्टोरी सुना रहा है, ठीक है। देन देयर इज थीम्स, ऑब्वियसली थीम्स जरूरी हैं कि हम एक रीडर जो है व्हाट इज ही टेकिंग अवे फ्रॉम दैट स्टोरी, तो क्या थीम है उसकी। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो मोटिवेट करता है कैरेक्टर्स को एक्शन को आगे बढ़ाने में, ठीक है। प्लॉट को बहुत अफेक्ट करता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई भी प्रॉब्लम जो हर स्टोरी के अंदर होती है। एक फैसिनेटिंग सी स्टोरी अगर हमें सुनानी हो तो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर होते हैं, ठीक है। ओके, सो गोइंग बैक टू द प्लॉट स्ट्रक्चर, अब हमें प्लॉट पता है कि क्या होता है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द स्टोरी। तो सीक्वेंस होती है, वो सिर्फ एक लाइन होती है, ठीक है। वी आर इंट्रोड्यूस टू द कैरेक्टर्स, देन एक्शन बढ़ता है धीरे धीरे, क्लाइमैक्स पे आते हैं, फिर एक्शन नीचे होते रहता है एंड स्टोरी कंक्लूड हो जाती है, ठीक है। दैट इज द प्लॉट, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो उस स्टोरी के अंदर उस वक्त पार्ट ले रहे होंगे या उस वक्त हो रहे होंगे, ठीक है। देन अब मेन डिफरेंस आ जाता है कि अब बार बार ही प्लॉट के अंदर हम स्टोरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्लॉट और स्टोरी के बीच में डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। स्टोरी जो होती है इट इज ऑल्सो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमारे नरेटिव के अंदर, ठीक है। बट प्लॉट जो है, ठीक है, प्लॉट इसीलिए होता है सो दैट अ स्टोरी कैन बी बेस्ड ऑन दैट प्लॉट, ठीक है। उस प्लॉट के ऊपर वो पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड होती है। तो हम पहले एक ओवरव्यू बनाते हैं और उसके अंदर फिर कैरेक्टर्स डालते हैं, ठीक, कॉन्फ्लिक्ट्स डालते हैं, ताकि हम उस प्लॉट लाइन के हिसाब से अपनी स्टोरी आगे बढ़ा सके, ठीक है। स्टोरीज जो होती है वो हर जगह होती है, इट्स एवरीडे लाइफ, ठीक है। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, फिक्शनल, रियल, कैसी भी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड प्लॉट जो होता है इट इज अ स्टोरी दैट यू हैव इन माइंड, ठीक है। एक स्टोरी जो तुम सुनाते हो, टोटल कंप्लीट स्टोरी, एक स्टोरी जो तुम्हारे पास सिर्फ एक रफ ड्राफ्ट जैसा होता है, ठीक है। तो प्लॉट इज द इवेंट्स दैट मेक अप अ स्टोरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लॉट इज एन इवेंट दैट मेक अप अ स्टोरी, ठीक है। दिस पर्टिकुलर लाइन, प्लॉट इज अ इवेंट दैट मेक अप अ स्टोरी, व्हेन यू आर प्लॉटिंग योर स्टोरी इट इज अप टू यू टू डिसाइड हाउ यू ऑर्गेनाइज दीज इवेंट्स, ठीक है। जब हम प्लॉट करते हैं एक स्टोरी को तो हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे उसके अंदर सीक्वेंस डाल रहे हैं, कैसे उसको एक स्टोरी का फॉर्म दे रहे हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, प्लॉट एंड स्टोरी, ठीक है। देन ऑब्वियसली स्टोरी क्या होती है, एक पूरी स्टोरी होती है, उसके अंदर प्लॉट्स होते हैं, उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप्स होते हैं, प्लॉट के अंदर इवेंट्स आ जाते हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो सकते हैं, नरेटिव्स आ जाते हैं, उसके अंदर सब प्लॉट्स भी आते हैं। प्लॉट एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी चल रही होगी, एक प्लॉट चल रहा होगा कि हाँ मेन दो लोगों के बीच में बात हो रही है, फिर वो शिफ्ट हो जाएगा टू अनदर टू कैरेक्टर्स, ठीक है। तो दैट इज सब प्लॉट्स, मतलब इट्स जस्ट लाइक सब टाइटल्स, ठीक है। एक प्लॉट है, मेन प्लॉट है हमारे पास कि हाँ ठीक है इन दो लोगों की, इन दो लवर्स की स्टोरी चल रही है, ठीक है, दैट दे आर गोना मीट एंड लड़ाई करने वाले एंड देन दे वुड मीट अगेन, समथिंग लाइक दैट। तो और सब प्लॉट आ जाएगा कि बीच में फिर से कोई और दो लोग आ जाते हैं जिनकी स्टोरी रेलिवेंट होती है, ठीक है, उसके अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल अ वेरी ओल्ड मूवी, बट आई डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर विद इट, बट यस आई गेस इट वॉज, मतलब वैसी वाली मूवीज जिसके अंदर एक पूरी मूवी होती है लेकिन इट इज अबाउट लव एंड ऑल, लेकिन बहुत सारे कपल्स के ऊपर बेस्ड होती है। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट मूवी, बट यस उसके अंदर सेवन एट स्टोरीज चल रही होती है डिफरेंट डिफरेंट कपल्स की, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स की, ठीक है। तो वो सब प्लॉट जैसे बनते हैं कि डिफरेंट, और उन सबकी स्टोरीज अलग अलग होती हैं, राइट, तो वो सब प्लॉट हो गए, ओके। Then there is setting of a narrative, which I have already told you. Setting मतलब backdrop, उसकी location क्या है, लोग कहाँ पे हैं, ठीक है, the story का mood क्या है, कैसा है, ठीक है, वो सब कुछ element important होता है setting का। इसके अंदर cultural, historical, geographical, ये सारे के सारी चीज़ें important है कि वो
स्टोरी सेट कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे सारा एक्शन टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है. देन वी हैव कैरेक्टर्स. ऑब्वियसली जब हम कैरेक्टर प्रोफाइल भी बनाते हैं या कभी तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है एनालाइज दिस कैरेक्टर, अगर कोई पैसेज के अंदर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है तो उसको एनालाइज कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट वट डज योर कैरेक्टर डू, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, एंड देन हाउ डज ही लुक आउटसाइड, वो दिखता कैसे है, वट इज द इमेज दैट इज कमिंग टू योर माइंड, उसकी ट्रेट्स कैसे हैं, ठीक है, एंड ऑब्वियसली हाउ डज योर कैरेक्टर चेंज, वो कहीं पर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है. तो ये सारी चीजें कैरेक्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट होती है. प्लस ऑब्वियसली एक नरेटिव में कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट, बिना कैरेक्टर्स के स्टोरी आगे बढ़ नहीं सकती, प्लॉट भी आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है. देन वी हैव पॉइंट ऑफ व्यू. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमारे पास यहां से फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव थ्री मेन टर्म्स. फर्स्ट इज नरेशन, नरेटिव एंड नरेटर, ठीक है, नरेशन, नरेटिव एंड नरेटर. तो नरेशन का मतलब होता है इट इज द यूज ऑफ रिटन और स्पोकन कमेंट्री, कि नरेट कर रहे हैं, नरेशन हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है उसको बोल रहा है, ठीक है. एंड नरेशन इज कन्वेड बाय अ नरेटर, और जो बोल रहा होता है वो नरेटर होता है, ही इज अ स्पेसिफिक पर्सन, अनस्पेसिफिक भी हो सकता है. तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ नरेटर्स जो हमारे पास स्टोरीज के अंदर आते हैं, स्पेसिफिकली सिक्स टाइप्स ऑफ नरेटर्स. फर्स्ट इज द फर्स्ट पर्सन नरेटर, जो अपनी स्टोरी खुद बता रहा होता है, जो आई वी इन सारी चीजों के बारे में बात करता है, वो ऑटोबायोग्राफिकल एक टाइप से होता है, ठीक है, कि अपनी स्टोरी उस बुक के अंदर सुना रहा है, फिक्शनल भी हो सकती है, वो अपनी ही स्टोरी सुना रहा हो, ठीक है. सेकेंड पर्सन जो होते हैं, जो टर्म्स यूज करते हैं यू वाले, ठीक है, वो किसी और की स्टोरी सुना रहे हैं, ही इज द सेकंड पर्सन, जो नरेटर है वो सेकंड पर्सन बन जाता है, ठीक है. एंड देन देयर इज द थर्ड पर्सन, जो बहुत ही लिमिटेड होता है, मतलब थर्ड पर्सन का मतलब होता है जो दो लोगों की या एक किसी ग्रुप की स्टोरी कोई तीसरा इंसान सुना रहा हो, या एक कपल की स्टोरी कोई तीसरा इंसान सुना रहा हो, दैट इज द थर्ड पर्सन, जिसके अंदर वो ही, शी, अदर्स, इन सारी चीजों को बेसिकली मेंशन करता है, या इन सारे वर्ड्स को मेंशन करता है, दैट इज द थर्ड पर्सन नरेटिव, ठीक है. फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर, हैरी पॉटर जो है उसे वी हैव द होल स्टोरी ऑफ दिस पर्सन हैरी पॉटर, ठीक है, उसके फ्रेंड्स एंड द नरेशन जो उसके अंदर है, कि कौन हम, उसकी स्टोरी हमें खुद हैरी पॉटर से नहीं पता चल रही है कि उसके साथ क्या हो रहा है, That is narrated by a third person. उन सबकी स्टोरी जो हैरी पॉटर के वर्ल्ड के अंदर सब कुछ जो हो रहा है, सारे इवेंट्स हो रहे हैं, वो हमें थर्ड पर्सन से पता चलते हैं, ठीक है. तो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द थर्ड पर्सन. फिर वी हैव ओमनीसियंट नरेटर. ओमनीसियंट नरेटर जो होता है, दैट नरेटर कैन सी एवरीथिंग, जो सब कुछ देख सकता है, बट जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो उसे नहीं देख सकते, वो हर जगह होता है, वो हर कैरेक्टर के बारे में देख सकता है, उसको बोलते हैं ओमनीसियंट, ठीक है, इट्स लाइक गॉड, लाइक सब देख रहा होता है, ठीक है. देन देयर इज अनरिलायबल नरेटर. ऑब्वियसली नरेटर में शेयर अनट्रू और मिसलीडिंग अकाउंट्स, ठीक है, वो अपने ही अकाउंट्स बोल सकते हैं, उसको हम अनरिलायबल नरेटर बोलते हैं, जो कभी कुछ कह रहा है एंड फिर दूसरे पल में उस, या कभी वो विलन के साथ में है, राइट, कभी वो विलन के प्रो में बोल रहा है, कभी वो उसके अगेंस्ट बोल रहा है, तो दैट इज अनरिलायबल, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते. वैसे नरेटर्स भी आते हैं हमारे पास, ठीक है. ओके, तो एंड फ्लाई ऑन वॉल इज लाइक जो हमें मूवीज के अंदर दिखता है, इट्स लाइक अ कैमरा, मतलब एक ही पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखा रहे होते हैं, या उसके सामने जो जो हो रही चीजें हो रही होती है वही हमें दिखाई जाती है, ठीक है. सो दैट इज अ नरेटर. इसके अंदर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ चार टाइप्स ऑफ नरेटर जो है वो इम्पोर्टेंटली करने हैं तुम्हें, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड द ओमनीसियंट नरेटर, ठीक है. बाकी फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर जस्ट सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस. ओके, देन वी कम टू द टर्म्स जो मैंने बताई थी, नरेटिव, नरेशन एंड नरेटर. लर्न करने का तरीका है, नरेटिव इज अ स्टोरी, नरेशन इज द एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, एंड नरेटर इज the person who tells a story, theek hai, and the second picture which you can see on your screen is just a small example jiske andar se tum pata kar sakte ho ki kaun narrator hai aur kaun matlab stories ke andar kyunki characters bhi hote hain tumhe pata hona chahiye to characters ke paas dialogues hote hain hamesha theek hai to dialogues matlab ki jab characters bol rahe hote hain aur narration jab narrator bol raha hota hai theek hai to quotation marks jo hai jaise ki help My cousin Jack said.
इसके अंदर डायलॉग जो है वो एक कैरेक्टर ने बोला है, जैक ने बोला है, राइट, माय कजन जैक सेड. तो ये कोई और इंसान बता रहा है दैट हेल्प माय कजन जैक सेड. तो माय कजन जैक सेड इज अ पर्टिकुलर लाइन व्हिच इज अ नरेशन, जो कोई और बोल रहा है. ठीक है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल व्हिच यू कैन लर्न व्हाइल यू आर रीडिंग एंड रीडिंग अ कॉम्प्रिहेंशन कि नरेटर कौन है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एंड कैरेक्टर्स कौन कौन से, डिफरेंस पता होना चाहिए उन सब के बीच में. ठीक है, तो नरेटर सिर्फ वही है जो स्टोरी को सुना रहा होता है. ठीक है, ओके, देन वी कम टू थीम. ऑब्वियसली सेंट्रल टॉपिक सब्जेक्ट क्या है एक नरेशन का, एक स्टोरी का. ठीक है, बहुत सारी थीम्स आ सकती हैं, हिस्टोरिकल थीम्स हैं, कल्चरल थीम्स हैं, किसी भी चीज के ऊपर स्टोरीज बन सकती हैं, जैसे भी किसी भी चीज के ऊपर मूवीज बन सकती हैं. ठीक है, तो दैट इज अ थीम जिसके ऊपर बेस्ड हमारे पास प्लॉट्स होते हैं, जिसके ऊपर बेस्ड हमारे पास स्टोरीज होती हैं. ठीक है, एंड देन देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज द चैलेंज जो एक कैरेक्टर या मेन हीरो की लाइफ के अंदर आता है. बिना प्रॉब्लम के कोई स्टोरी नहीं चलती. फॉर एग्जाम्पल, बिना किसी पर्टिकुलर मेन दिक्कत के कोई मूवी आगे नहीं दिखती, आगे नहीं चलती. ठीक है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है उनकी लाइफ के अंदर, वो स्टोरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फ्लिक्ट आना. ठीक है, तो विच वॉज द लास्ट ऑफ आर एलिमेंट्स इन द नरेटिव्स. ठीक है, एंड ऑब्वियसली यू कैन गो टेक अ स्क्रीन शॉट, प्लीज 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 टेक अ स्क्रीन शॉट एंड अपने सारे फ्रेंड्स को ये शेयर कर देना ये लिंक. ठीक है, यू कैन शेयर इट, जिसके अंदर तुम्हें सारा का सारा मटीरियल मिल जाएगा अपना. ओके, एंड आई होप अभी इतनी पार्ट जो है हमने नरेशन के बारे में या नरेटर्स के बारे में जितना पढ़ा है वो क्लियर हो. ठीक है, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, क्योंकि अभी हमने सिर्फ नरेटिव्स के बारे में पढ़ा है. देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट नॉवेलास. ठीक है, नॉवेलास को डिटेल के अंदर करते हुए तुम्हारी सजेस्टेड रीडिंग्स जो है उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हो. ठीक है, एंड इफ दिस ऑल दिस इज नॉट क्लियर्ड देन ऑब्वियसली लेट मी नो इन दिस सेक्शन. ओके, नॉवल और नॉवेलास, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था. नॉवल और नॉवेला के अंदर मेन डिफरेंस होता है कि नॉवेल्स जो होती हैं वो लेंथ का डिफरेंस होता है. नरेटिव्स के अंदर जो लेंथ होती है वो बहुत ही मैटर करती है, तो लेंथ का डिफरेंस होता है. नॉवेल्स जो होती है वो तुम्हारे पास 200 पेजेस 300 पेजेस की पूरी एक स्टोरी होगी, तो वो नॉवल कहलाएगी. ठीक है, नॉवेला जो होती है वो छोटी होती है, वो 100 पेजेस के अंदर खत्म हो जाती है स्टोरी. ठीक है, जो छोटी छोटी बुक्स होती हैं, इट इज नॉट अ शॉर्ट स्टोरी. शॉर्ट स्टोरी तो 2-3 पेजेस में खत्म हो जाएगी, 100 पेजेस तक जो स्टोरी चल रही है वो नॉवेला होती है. तो लेंथ का डिफरेंस आता है नॉवेल्स के अंदर, नॉवेला शॉर्ट स्टोरी के अंदर. तो एक तरह से लाइन समझ लो, शॉर्ट स्टोरी सबसे छोटी 2-3 पेजेस के अंदर खत्म हो जाएगी. ठीक है, देन वी हैव मिडिल के अंदर नॉवेलास, 100 पेजेस के अंदर खत्म हो जाएगी. देन 100 से अबव पेजेस को हम नॉवेल्स के लिए देते हैं. प्रीवियस क्लासेस आप ऑनलाइन आई गेस अपलोड हो जाएंगी थोड़े टाइम में, ये सारी की सारी चीजें. सी, प्लॉट्स का मतलब होता है कि इट इज लाइक अ स्टोरी लाइन. ठीक है, कि स्टोरी लाइन चल रही है उसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास होगा. एंड मैंने एग्जांपल दिया था एक्चुअली एक मूवी का, नॉट द मोहब्बतें मूवी, बट यस आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी, बट मैं सिर्फ उसकी स्टोरी तुम्हें समझा रही हूँ. ठीक है, जिसके अंदर यू हैव वन प्लॉट लाइन, मतलब एक मेन कैरेक्टर्स की स्टोरी चल रही होती है, और फिर उसके अंदर जो फोकस होता है धीरे धीरे दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, उनकी स्टोरीज के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, वो सब प्लॉट होता है. ठीक है, स्टोरी के अंदर स्टोरी, दैट इज सब प्लॉट. ठीक है, नरेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी. ठीक है, कि तुम एक स्टोरी बता रहे हो. अगर तुम एक अपने फ्रेंड से कोई भी डिस्कशन कर रहे हो, कोई भी स्टोरी उसे समझा रहे हो, एंड यू आर टेलिंग इट, तो तुम एक नरेशन कर रहे हो. ठीक है, दैट इज नरेशन. इसलिए मैंने तीन टर्म्स बताए थे, नरेशन इज एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, नहीं सॉरी, पहले नरेटिव. नरेटिव इज अ स्टोरी, नरेटिव का मतलब स्टोरी, नरेशन इज द एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, इट्स एक्शन हो रहा है उसके अंदर, एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, एंड नरेटर इज द पर्सन हु टेल्स द स्टोरी. ठीक है, ओके, एनी अदर डाउट?
which I can, I hope you can see the link though. Okay, ठीक है. नॉवेल्स नॉवेलाज, अगर नॉवल नॉवेला में अभी भी नहीं डिफरेंस समझ आया हो तो प्लीज एक और बार पूछ लेना. आई थिंक इट्स इज अनदर क्वेश्चन. नरेशन मैंने अभी समझाया है. सी, इन तीन टर्म्स को ना कहीं लिख लो, ठीक है? दैट वुड बी मच बेटर. जो मैं बोल रही हूँ अभी, ये तीन टर्म्स, उनको लिख लो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर, ठीक है? फर्स्ट इज नरेटिव. नरेटिव का मतलब होता है स्टोरी. नरेटिव का मतलब कहानी, ठीक है? नरेशन, एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, ठीक है? उसको नरेशन बोलते हैं. इट इज एन एक्शन वर्ब, नरेशन, ठीक है? एंड देन देयर इज अ नरेटर. जो वो नरेटर मतलब जो इंसान कहानी सुना रहा हो, ठीक है? सी, मैंने अभी अभी नरेशन, नरेटिव, नरेटर अभी अभी एक्सप्लेन किया है. एंड आई गेस ये क्वेश्चन भी अभी अभी आया है, बट आई कैन सेंड इट अगेन एंड अगेन. इसलिए मैंने कहा कहीं पे लिख लो इन टर्म्स को, ज्यादा इजी रहेगा. कहानी, एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, एंड देन द पर्सन हु टेल्स द स्टोरी. नरेटिव, नरेशन एंड नरेटर, ठीक है? एंड क्वेश्चंस, यस, मैंने एग्जाम पैटर्न लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि तुम्हारे पास सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन आएंगे. यू ऑलरेडी आर फेमिलियर विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, ठीक है? तो बस उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हारे पास जो कॉम्प्रिहेंशन आएंगे उसके आंसर्स तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन के अंदर से नहीं मिलेंगे, तुम्हें उसके आंसर्स कॉम्प्रिहेंशन के समझने के बाद मिलेंगे, ठीक है? दैट काइंड ऑफ अ लेवल इज इट, मतलब सेकेंड ईयर का लेवल इतना बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा सा, जिसके अंदर तुम्हारा थोड़ा सा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? एंड यस, ग्रामर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं. तुम्हारे ग्रामेटिकल पार्ट चेक किया जाएगा, तुम्हारा वोकैबुलरी पार्ट चेक किया जाएगा, तुम्हारा राइटिंग स्किल्स चेक की जाएंगी, ठीक है? तो राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, लेटर फॉर्मैट्स एंड शॉर्ट स्टोरी फॉर्मैट्स, रिपोर्ट के फॉर्मैट्स, ये सारे फॉर्मैट्स इंपॉर्टेंट है. अगर बाई चांस वी आर अनेबल टू कम, बिकॉज ये सिलेबस के अंदर नहीं है, ये तुम्हें लास्ट सेमेस्टर्स के अंदर पढ़ाया जा चुका है सारे के सारे फॉर्मैट्स, ठीक है? अभी ट्राई टू कवर इट इन सम क्लासेस, बट बाई चांस ना भी हो पाए तो मैं उस लिंक के ऊपर सारे फॉर्मैट्स का एक पीडीएफ डाल दूंगी, सो दैट एटलीस्ट यू हैव इट, ठीक है? ठीक है. डायरी एंट्री इज बेसिकली, डायरी एंट्रीज आर सिंपल. तुम डायरीज के अंदर लिखते हो, तुम उसके अंदर एक डेट डालते हो, ठीक है? डे डालते हो, डेट डालते हो, एंड तुम सीधा स्टार्ट कर देते हो. इट इज अ वेरी पर्सनल एंट्री. तो तुम्हारे पास पर्सनल लाइफ नरेटिव्स के अंदर, हमने यूनिट वन के अंदर किया था डायरी एंट्री. हम सिर्फ डेट डालते हैं, डे डालते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं कि आज क्या हुआ हमारे साथ. दैट इज अ डायरी एंट्री. नॉवला, अगेन आई एम टेलिंग यू, मेक अ स्ट्रेट लाइन. उस स्ट्रेट लाइन के सबसे पहले पे लिखो शॉर्ट स्टोरी, ठीक है? विच नॉर्मली एंड्स इन 2 to 3 pages, ठीक है? 2 to 3 pages के अंदर वो शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है, पूरी की पूरी वो कहानी पूरी कंप्लीट हो जाती है. फिर वी हैव नॉवलास, NOVELLA, नॉवला, ठीक है? NOVELLA, नॉवला, विच इज अप टू 100 pages. 100 pages के अंदर पूरी की पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? एंड देन वी हैव नॉवल्स, जो 100+ pages के लिए होती है, ठीक है? अगर नोट्स बना रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड मेक ऑल दीज थिंग्स. जो चार्ट्स जैसे होते हैं वैसे वाले नोट्स बनाओगे तो ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? ओके, एनी अदर डाउट एक्सेप्ट फॉर द टर्म्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड? ओके, ठीक है. मुझे तुम्हें एक और चीज दिखानी थी. एंड इफ यू यू गाइज, आई डोंट नो व्हाई यू गाइज आर अनेबल टू सी इट, ठीक है? तो तुम अपने पब्लिश सेक्शन के ऊपर जब जाओगे तो तुम्हें ये लिंक दिखेगा, इफ यू कैन सी योर स्क्रीन्स, ठीक है? इट विल टेक यू टू, वेट अ मिनट, इट्स लोडिंग. ओके, इट विल टेक यू टू दिस साइट, ठीक है? जहाँ पे तुम्हारे पास सारी की सारी चीजें होंगी. यू हैव पोएटिक डिवाइसेस,
ठीक है, यू हैव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस जो कि वो ग्रामर का पार्ट है, लिटरेरी टर्म्स, यू हैव सम, मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स भी अपलोड करी है उसके ऊपर, विच इज एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री विच इज रेलिवेंट, ठीक है, एंड देन यू हैव सम पीडीएफ विच इज योर इंट्रोडक्टरी क्लास इंग्लिश MIL, देन यू हैव पार्ट टू ऑफ दैट क्लास जिसके अंदर हमने यूनिट टू यूनिट फर्स्ट ही किया था, ठीक है, देन यू हैव यूनिट थ्री हेयर ऑल्सो, सारे के सारे यूनिट्स पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हैं तो तुम्हें वो दिख जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है, क्लास वाइज भी डिवाइडेड है तो वो भी दिख जाएंगे, ग्रामर टॉपिक की है ये, तुम्हारे कुछ जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं वो भी मैंने पूरी की पूरी उसके अंदर डाल रखी है, ठीक है, तो वो भी तुम देख सकते हो, एंड यू हैव द होल 1 to 5 यूनिट्स जो SOL का मटीरियल है वो भी यहाँ पे है, यूनिट 1 to 5 पूरा का पूरा मटीरियल, आपका सिलेबस भी यहाँ पे है BCOM का, इफ सम ऑफ यू आर नॉट मतलब डू नॉट नो योर सिलेबस, देन वी हैव पोएट्री यूनिट टू, यूनिट टू का पार्ट वन पार्ट टू, यूनिट थ्री के फोर्थ फिफ्थ क्लासेस, और आज की जो क्लास होएगी वो यूनिट फोर की फर्स्ट क्लास जो होगी वो इस क्लास के बाद आई विल अपलोड दैट, ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर, मतलब एटलीस्ट दिख गया होगा कि कैसे खोलना है उस लिंक को, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, यू हैव टू शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, ओके, ब्लॉग्स, ब्लॉग्स जो होते हैं वो एक टाइप से यू टॉक अबाउट समथिंग सोशल, सोशल इश्यूज के बारे में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तुम बात करते हो ब्लॉग्स के ऊपर, एंड तुम ब्लॉग लिखते हो, वो थोड़ा छोटा होता है, इट्स लाइक शॉर्ट आर्टिकल, एक आर्टिकल होता है जो बहुत बड़ा हो सकता है उसके अंदर, राइट, लेकिन ब्लॉग के अंदर मैक्सिमम 500 to 600 वर्ड्स आ जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते, आर्टिकल थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है, जैसे हमारे पास शॉर्ट स्टोरीज नॉवेलाज एंड नॉवेल्स थी वैसे ही वी हैव ब्लॉग्स एंड एसेज एंड देन आर्टिकल्स, ठीक है, लेंथ के ऊपर हर चीज डिपेंड करती है, एलिमेंट्स ऑफ नरेटिव्स ऑलरेडी बता चुकी है, जहां पे एलिमेंट्स वर्ड आ जाता है ना, एलिमेंट्स मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या क्या है, अगर एक स्टोरी है तो उस स्टोरी के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, अब तुम खुद ही इसे बता भी सकते हो या सोच भी सकते हो कि एक स्टोरी, एक मूवी के अंदर तुम कोई स्टोरी देख रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या चीजें तुम्हें दिखती हैं, अगर तुम उसको किसी फ्रेंड को एक मूवी एक्सप्लेन करना चाहते हो कि ये मूवी कैसी थी, क्या था उसकी स्टोरी के अंदर, ठीक है, तो तुम उसके अंदर क्या क्या चीजें देखोगे, ओके, इफ यू हैव मतलब अगर तुमने कोई रोमांटिक मूवी देखी है और तुम अपनी फ्रेंड को वो एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये मूवी के अंदर क्या था उसकी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, तो तुम पहले बताओगे कि इट्स अ रोमांटिक मूवी, तो तुमने थीम बता दी उसकी कि रोमांस के ऊपर थीम है, तुम उसके अंदर कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करोगे जो हीरो हीरोइन है, राइट, तो कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, तुम फिर उसकी जब स्टोरी बताओगे तो उसके अंदर बताओगे कि उनकी लाइफ में कुछ एक, क्योंकि शॉर्ट में तुम पूरी की पूरी स्टोरी बता रहे हो, राइट, तो तुम बताओगे कि उसके अंदर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, ये दिक्कत आई, राइट, एंड देन वो दोनों अलग हो गए, समथिंग लाइक दैट, तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया उसके अंदर, थीम भी आ गई, कैरेक्टर्स भी आ गए, कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया, और जो तुम ये स्टोरी बता रहे हो, ठीक है, वो प्लॉट भी आ गया, क्योंकि स्टोरी इज द प्लॉट, जब तुम समरी बताते हो किसी चीज की तो तुम प्लॉट बताते हो कि किस कैसे चल रही है वो स्टोरी, ठीक है, एज इट इज, एंड देन यू हैव कैरेक्टर्स स्टोरी प्लॉट और क्या था थीम्स, हाँ कैरेक्टर स्टोरी प्लॉट थीम, ठीक है, एंड उसके अलावा यू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स, यस कॉन्फ्लिक्ट्स भी तुमने बता दिए उसको स्टोरी बताते हुए, सारे के सारे तुमने सेटिंग भी बता दी, तुम बताओगे कि वो कहाँ पे थे, किस जगह पे थे, या कब हो रही है वो स्टोरी, रात को हो रही है, दिन में हो रही है, व्हाट इज द प्लेस, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये सारी चीजें बताते हो, दे आर द एलिमेंट्स, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सी नरेटिव नरेटर नरेशन मैंने ऑलरेडी 5 बार एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, सो आई वुड अगेन सजेस्ट यू कि प्लीज इसको कहीं पे लिख लो, ठीक है, इसीलिए जब मैं डाउट्स ले रही होती हूँ या फिर किसी और किसी के भी डाउट्स या क्वेश्चंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही होती हूँ तो उसको सुन लिया करो, ठीक है, क्योंकि बाय चांस अगर तुम्हें आता भी हो तो भी जस्ट लिसन टू इट सो दैट यू डोंट मिस इट, ठीक है, तो जिसने नरेटिव नरेशन एंड नरेटर के बीच में डिफरेंस मिस किया है तो मैं लास्ट बार बता रही हूँ, राइट इट डाउन समवेयर, ठीक है, नरेटिव होता है एक स्टोरी, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास स्टोरी आती है, तो नरेटिव इज अ स्टोरी,
नरेट सॉरी हाँ नरेशन इज द एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी एंड नरेटर इज द पर्सन हु टेल्स द स्टोरी. ओके. ब्लॉग इज नॉट ओनली रिटन ऑन सोशल इश्यूज, इट कैन इट इज रिटन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर थोड़ा शॉर्ट में. ठीक है, इट इज रिटन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, नॉट ओनली द सोशल इशू, इट वॉज एन एग्जाम्पल. ओके, सो आई गेस अगर और कोई दिक्कत नहीं है फ्रॉम दिस पार्ट अंडरस्टैंडिंग फिक्शन, फिक्शन के अंदर कोई डिफरेंट दिक्कत हो कि फिक्शन क्या होता है, ठीक है, नरेटिव्स क्या होते हैं, अगेन मैं बता चुकी हूँ वैसे नरेटिव्स क्या होते हैं, बट येस अगर और कोई डाउट है इस बारे में यूनिट 4 के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में एटलीस्ट, तो यू कैन आस्क अवे. अदरवाइज मैं इधर उधर के क्वेश्चन अभी नहीं ले रही हूँ. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में भी उसको एड्रेस कर दूंगी, और यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी. ओके, ठीक है, सो आई गेस दैट इज इट. ठीक है, एंड प्लीज गो एंड लुक एट सम फॉर्मैट्स, मतलब एटलीस्ट अपने फॉर्मैट्स को ब्रश अप कर लो, इवन दो आप लोगों को आते भी हो वो. ठीक है, तो जस्ट ब्रश इट अप अ लिटिल बिट. लेटर के फॉर्मैट्स देख लो, फॉर्मल इनफॉर्मल इन सब के फॉर्मैट्स. ठीक है, एंड बिकॉज काफ़ी दिक्कत आती है यू मतलब इन एग्जाम्स, अगर आपके पास लेटर लिखने को आता है तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं इन द फॉर्मैट ओनली, जो तुम्हारे लिए फिर मार्क्स उसमें नहीं मिलते हैं. ठीक है, तो फॉर्मैट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेटर के फॉर्मैट, एप्लीकेशंस के फॉर्मैट, जो मेन मेन टॉपिक्स है मैं वही बता रही हूँ अभी. लेटर एप्लीकेशन दैट इज जॉब एप्लीकेशन. ठीक है, यू हैव डिबेट, डिबेट लिख सकते हो, रिपोर्ट. ठीक है, रिपोर्ट भी आती है काफ़ी बारी, तो इन सारे सारे टॉपिक्स के ऊपर इनके फॉर्मेट्स एक बार चेक कर लेना, विच वुड बी इम्पॉर्टेंट. यस, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट, बट यस फिक्शन एंड नॉन फिक्शन जो होता है इट इज फिक्शन जो होता है वो इमेजिनरी होता है, नॉन फिक्शन जो होता है वो फैक्चुअल होता है, वो रियल इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो जो हमने यूनिट 1 किया था लाइफ नरेटिव्स वो नॉन फिक्शन था, और जो अभी हम कर रहे हैं स्टोरीज, ठीक है, या जितनी भी हमने शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी हो, कभी कोई मूवी देखी हो, दैट इज फिक्शन, दैट इज फ्रॉम योर इमेजिनेशन. उसकी जो पूरी स्टोरी होती है वो इमेजिनरी होती है, रियल लाइफ इवेंट्स नहीं होते. ठीक है, सो आई गेस दैट इज इट. दिस मतलब द क्लास इज एंडेड, ठीक है, टाइम इज ओवर, सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, ये वाली क्लास शिफ्टेड थी, तो अब तुम्हारी नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट टाइम टेबल पे होगी, ठीक है, वो नोट डाउन कर लेना. लेट मी जस्ट लेट यू नो दैट. ओके, सो योर नेक्स्ट क्लास इज ऑन 3rd December. ठीक है, तो तब हम इसी वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे पूरे के पूरे, ठीक है, यूनिट 4 को. So I hope you understood it and go home, then obviously you are at home, sorry, go and look at some formats. Theek hai, please formats ko dekhna mat bhulna. Okay, yes, I can share, I will try to upload it on the link. Formats jo hai wo main upload kar dungi, but first at least I want ki tum log thoda sa khud apne aap se dekho ki kya kya hote hain, so that you can understand it much better. Theek hai, to formal informal letters, job applications and report, सिर्फ इन 4 चीजों के फॉर्मेट्स देख लो. ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय.